आता है तो कैसे उसको दौरा का कैसे ठीक किया जाता है, कौन दवाई दी बताएं, विचित्र स्थिति है। नहीं चलेगा इस सिलेबस, ये बंद होने वाला है। हम कहते हैं आप गायत्री मंत्र का जप करो, सूर्य का ध्यान करो, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। आने वाले जमाना में नोट कर लीजिए, डिग्री का वैल्यू नहीं रहेगा। हैं, ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, डिग्री का वैल्यू खत्म हो रहा है। अगर डिग्री का वैल्यू होता तो इसके पहले वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके पास कहां का डिग्री था? ऑक्सफोर्ड। आपके पास कहां का डिग्री है? मसल्लेहपुर के कोचिंग का है। और अभी वाले प्राइम मिनिस्टर का डिग्री कहां का है? 3 साल ऋषिकेश में एगो संत के आश्रम में, पिछले दिन गए थे, जीवन बिताए संत के आश्रम में, 3 साल जीवन बिताया वो व्यक्ति। आप कहां जीवन बिता रहे हो? तो शुरुआत हो गया है ऊपर से। और टैलेंट देखिए, मैं किसी पार्टी की बड़ाई नहीं करता, मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं तो कभी अरविंद केजरीवाल के भी उसके गुण को मैं भरी मीटिंग में कहता था कि भाई इतना अच्छा आदमी, जिसकी जो अच्छाई है मैं बोलता हूं। आज पूरा दुनिया हिल रहा है, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। भारत का टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया में फैलने वाला है। मैं कल पेपर में पढ़ रहा था, इंडिया की एक लेडीज अमेरिका गई, उसके 2 बच्चे वहां पढ़ते थे। तो जब गई वहां तो एक लेडीज उससे पूछी कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो बताइए ये करते हैं। तो पहले वाले हस्बैंड कहे पहले वाले, वो पूछी पहले वाला मानो 18 साल में 4-5 को बदलाता है अमेरिका में। तो ये जब कहे कि नहीं तो हमारे यहां तो एक ही रहता है, बदलाता नहीं, वो आश्चर्य कर रही थी, एक ही, एक के साथ, बाप कैसे, ये कैसे। यहां तो साल दो में वहां हुआ हाल, परेशान है आदमी। माई बाप को क्या करता है? बूढ़ा हो गया, ओल्ड एज होम बना हुआ है, आपको नहीं रखना है। साल में एक दिन फादर्स डे गुलाब दे आइए, मामला खत्म है। वो विकसित देश है, हम उसकी नकल कर रहे हैं। अब वो हमसे पूछ रहा है कि हमें जीने का तरीका बताओ, हमें आप अपने विज्ञान से जोड़ो जिससे हमारे यहां का जीवन सुंदर बने। अभी अमेरिका में सबसे ज्यादा डिमांड टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा। टाइम्स ऑफ इंडिया ये सब जानते हैं आप लोग? हम तो जींस जानते हैं, मच मच चच चुहार सब कहां के लुच्चा। हम तो देखते हैं, सही में मेरा हिट मत कराइए, आप लोग को देखते हैं हमारा गर्मी छलक जाता है। चलिए आप लोग बड़े भले मानुष हैं। अमेरिका में इन दिनों डिमांड हो रहा है इंडियन कल्चर का। आपको जानकारी है सबसे ज्यादा योग सेंटर इन दिनों अमेरिका में खुल रहा है। जैसे आपके यहां पार्लर खुलता है ना गली गली में पार्लर, उसी तरह अमेरिका में योगा सेंटर, मेडिटेशन ध्यान। आपको तो सब नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए बोले? कितना चुआ सके हम चुआट, आपको ये चाहिए? मैंने हमको गिरने की विधि बताइए, उठने की विधि हमको नहीं चाहिए, वो तो हम सीख चुके हैं, उसे हम जानते हैं। उठना तो है, धंसना है, गलना है, फ्रस्ट्रेशन में आना है, मेंटल डिजॉर्डर होना है। तो कहां कौन कंपटीशन है मेंटल डिजॉर्डर वाले लोगों को? पागलों का संख्या बढ़ रहा है, बिहार में सर्वाधिक पागल बढ़ रहे हैं। और एक भी पागल खाना नहीं है, मेंटल हॉस्पिटल एक भी नहीं है। सारा एम्स खुल गया,
IGMS खुल गया, PMCS तो पहले से है ही है, NMCH है, मेंटल होना चाहिए कि नहीं एक हॉस्पिटल। मैं बरसों से इस बात का डिमांड कर रहा हूं, अब जो भी सरकार आएगी मैं उससे भी डिमांड करूंगा कि एक बढ़िया मेंटल हॉस्पिटल हमारे राज्य को चाहिए। आने वाले समय में मानसिक विक्षिप्त लोग हमारे कहां जाएंगे, इनका इलाज कहां होगा? डेंगू से ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है मेंटल डिजीज। अगर आप लोगों को कोई रिश्तेदार के पास पैसा है तो आप उनको कहिए लगाने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने के लिए, खूब चलेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। पूछेगा पेशेंट कहां से आएगा, हम देंगे हम देंगे पेशेंट का। जितना कोचिंग को नहीं मिल रहा उससे ज्यादा हम उस हॉस्पिटल को देंगे। इन दिनों पागलों का अगर देखना है कि पागल कहां रहता है, आपको हम बता देते हैं, बाजार समिति के गेट पर चुपचाप खड़ा हो जाइए 2 घंटा, जो निकल रहा है झुंड खाली देखिए उसको। अरे 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 एकदम आपको लगेगा कि इसका फर्स्ट एड अगर नहीं किया गया तो सेकंड लाइन में ही चला जाएगा। ये इस सबको भेजना होगा, घुंघरू घुंघरू जैसा बाल बना लिया है, पागल खाना है रांची में काके में। एक बार हमको जाने का मौका मिला, हमारे मित्र वहां डॉक्टर हैं, जब पागल को देखने जाता है लोग डॉक्टर सब तो घेरा लगा रहता है जाली वाला, जो पागल सब तो पागल है ससुराल, कब हमला कर देगा, मस्टरवे का कॉलर पकड़ लेगा का। तो जब डॉक्टर देखने से गुजरता है तो जितना पागल रहता है वो डॉक्टर को देख के कहता है पगला आ गया। अगर आप अच्छे विचार से जुड़े रूम में बैठ के ध्यान करने लगे, आप ही पागल हो, आप ही गड़बड़ हो। अउचुआठी वो तो बढ़िया है, भोला भाला है, इसलिए भाई ठीक करो, सुधरो। महाकाल के चक्र चल रहे, सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। समय बड़ा बलवान रे भाई, समय बड़ा बलवान होता है। बड़े बड़े लोगों को हमने इसी बिहार में देखा है। सोचता था सब दिन ऐसा ही रहेगा, अच्छा समय जब बदला, कोई सिवान में, कोई बेऊर में जेल में बैठा हुआ है, कहाँ दिन चल गए, जिसके नाम से पत्ता कांपता था। समय बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, इसलिए आप सब लोग अपने जीवन को बदलने का संकल्प लीजिए, अच्छे विचारों से अपने को जोड़िए, अच्छे रास्ते पे चलने का संकल्प कीजिए। आने वाला जमाना ऐसे ही लोगों का है, अच्छे लोगों का है, बुरे लोगों का जमाना नहीं रहने जा रहा है। मित्र बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, आप नहीं समझोगे तो आप धोखे में रहोगे। कर्मों के फल से न बचोगे, अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपने चाल के, बदल लो। निश्चय ही दुनिया बदलेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा। सत्ता लोलुप मिट जाएंगे, चाहे मानो या न मानो, फिर से सतयुग आएगा, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं है, हम देखे हैं। आप तो अभी झुनझुना पकड़ के रोड पर चलन रहे, बीएन कॉलेज, मेन हॉस्टल, पटेल छात्रावास, सैदपुर, भैया लोग रहते थे हम लोग के जमाने में, भैया हम लोग उनको कहते थे, प्रणाम भैया,